children, wish you all a very happy birthday. Now, let us start with our EVS work. आपको मालूम है ना, आज जो मैम ने आपको वर्क भेजा है, that is of which chapter? कौन सा chapter है? Your school. It is about your school. तो school word से आप क्या समझते हो? वो वाली प्लेस जहाँ पर हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं, आपकी मैम होती है जो आपको सिखाती है, एंड आपका स्कूल का प्लेग्राउंड होता है, आपका असेंबली हॉल होता है जहाँ पर आप प्रेयर करते हो, जहाँ पर आप डांस करते हो, याद है ना? सो दैट प्लेस जहाँ पर आप पढ़ने लिखने जाते हो, दैट इज अ स्कूल. और आज हमारा चैप्टर आपके स्कूल के बारे में है, तो अभी आपको मैम स्कूल के बारे में जो एक्सप्लेनेशन देंगी वो आप अच्छे से देखो वीडियो में, और उसके बाद हम कॉपी का एक्सप्लेनेशन करेंगे. लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आवर वर्क, हुर्रे हुर्रे केजी टू हुर्रे, लर्निंग विल बी फन व्हेन वी ऑल विल बी वन. ओके, टुगेदर एंड वन पर्सन बनकर हमको हमारा वर्क करना है और पढ़ाई करनी है, और बहुत अच्छे से करनी है, राइट? चलो नाउ, सी यू. सो चिल्ड्रन, सी इन योर बुक, आपको दिख रहा है ये पेज आर स्कूल, और इसमें एक स्कूल की पिक्चर भी दिख रही है. तो यहाँ तो दूसरे स्कूल का नेम लिखा है, बट आपके स्कूल का नेम तो आपको पता है ना. वॉट इज द नेम ऑफ योर स्कूल? योर स्कूल नेम इज सीडलिंग स्कूल. क्या है? सीडलिंग स्कूल. और देखो नीचे वाली पिक्चर में आपको दिख रहा है बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, और एक मैम भी खड़ी है, दिख रहा है? सो दैट इज योर क्लास रूम, जहाँ पर आप पढ़ते थे. याद है आपको कि भूल गए? सब कुछ याद है ना, भूलना कुछ भी नहीं है आपको. ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ सारा दिख रही है, याया दिख रहा है, इरा दिख रही है, इब्राहिम दिख रहा है, बुरानुद्दीन दिख रहा है. कितने सारे बच्चे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे इस पिक्चर में? सो और यहाँ पर ये मैम भी दिख रही है. मैम दिख रही है ना आपको? ये मैम खड़ी हुई है. सो दिस इज योर क्लास रूम, याद है ना आपको? ओके, नाउ इन योर नेक्स्ट पिक्चर, ये आपका इस बुक में तो ये म्यूजिक रूम है, म्यूजिक एंड डांसिंग रूम. लेकिन आपको याद है जहाँ अपनी असेंबली होती थी, अपना असेंबली हॉल, वहां पर आपको मैम सॉन्ग्स लगा के गाने भी लगा देती थी, अलग अलग टाइप के सॉन्ग्स, और आप लोग डांस करते थे वहां पर. रिमेम्बर योर असेंबली हॉल, जहाँ नीचे प्रेयर होती थी? सो दैट असेंबली हॉल, वैसे ही आपके स्कूल में भी ऐसा असेंबली हॉल है जहाँ आपकी सिंगिंग डांसिंग सब कुछ होता है, जहाँ आप लोग मस्ती करते हो, खेलते हो मैम के साथ, फंक्शंस होते हैं. सो दैट इज द हॉल. ओके, आपका सिंगिंग का, डांसिंग का, आपका प्लेइंग का, सबका. एंड नेक्स्ट पिक्चर इज अ गार्डन. स्कूल में गार्डन्स भी होते हैं, आप बाहर जाते हो, आप देखते हो गार्डन है, आपका प्ले एरिया है जहाँ स्विंग्स है, आप स्विंग्स पे जाते हो, याद है ना आपको? तो उसी तरीके से ये गार्डन है, स्विंग है ये स्कूल में. एंड नेक्स्ट पिक्चर इज द प्लेग्राउंड. नाउ यू रिमेम्बर प्लेग्राउंड? हम लोग वैन में बैठकर जाते हैं, जिस दिन हमारा स्पोर्ट्स डे होता है हम लोग वैन में बैठकर जाते हैं और वहां पर खूब मस्ती करते हैं प्लेग्राउंड में. आपको याद है ना जब आप व्हाइट कलर का आपका स्पोर्ट्स का यूनिफॉर्म पहनकर जाते हो? सो दैट इज द प्लेग्राउंड. तो स्कूल में सब कुछ होता है, योर क्लासरूम, योर डांसिंग सिंगिंग रूम, देन द स्विंग एरिया, देन द प्लेग्राउंड. और स्कूल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, गुड मैनर्स सीखते हैं, और अपनी लाइफ को कैसे चलाना है, आगे जाकर सक्सेसफुल कैसे बनना है, वो सब सीखते हैं. तो स्कूल इज अ प्लेस जहाँ पर चिल्ड्रन लर्न ऑल दीज थिंग्स. ओके, अब आपको हमेशा स्कूल जाना है रेगुलर. अभी तो हम नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट कोरोना डिजीज, लेकिन वैसे तो हम जाते हैं ना रेगुलरली स्कूल. सो वी शुड गो टू स्कूल, वी मस्ट गो टू स्कूल. एंड देन आपको अपनी टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, रिस्पेक्ट उनका आदर करना चाहिए, और उनको ओबे करना चाहिए. जो भी आपकी टीचर, आपकी मैम आपसे बोले उसको आपको सुनना चाहिए. ओके, देन वी मस्ट कीप आवर स्कूल क्लीन. ऑफकोर्स यू हैव टू कीप योर स्कूल क्लीन. जहाँ पर आप पढ़ते हो, लिखते हो, गुड मैनर्स सीखते हो, वो जगह तो आपको साफ रखना है कि नहीं? नीट एंड क्लीन, बिल्कुल गंदा नहीं करना है. मैम भी बोलती है ना, कीप योर क्लासरूम क्लीन, थ्रो योर थिंग्स इन द डस्टबिन. तो आपको आपका स्कूल
क्लीन रखना है। देन आपका क्लासरूम, क्लासरूम इज इम्पोर्टेंट प्लेस, वो तो आपकी 3 घंटे जहां पर बैठकर आप पढ़ते हो लिखते हो वो प्लेस तो आपको गंदी करना ही नहीं है, उसको तो बिल्कुल नीट एंड टाइडी रखना है। ओके, तो इस चैप्टर में आपने सीखा अबाउट योर स्कूल। अब हम हमारा कॉपी का वर्क करेंगे और उसमें जो आपको लिखना है मैम आपको वो बताएंगी। ओके, चलो नाउ बाय एंड टेक केयर।